गणेश चतुर्थी आने वाली है और सबके घरों की तरह मेरे घर में भी नैवेद्यम या प्रसाद बनता है। तो वैसे तो आपको पता है गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, पर आज जो मैं प्रसाद बनाने वाली हूँ वो भी गणेश जी का फेवरेट है। तो ये पांच चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें कि होता है घी, गुड़, पोहा, नारियल और मेवा। इसको बनाना बहुत आसान है और घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनता है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो आज ही ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए ना सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गुड़ की। तो वैसे तो आप इसको शक्कर से भी बना सकते हो, पर ट्रेडिशनली ये गुड़ से ही बनाया जाता है और इसका टेस्ट गुड़ से ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर ना हमें एक कप गुड़ बिल्कुल नाप के चाहिए होगा। अगर आप हर चीज़ नाप के डालेंगे ना तो इसमें स्वीटनेस जो है ना परफेक्ट आएगी और एकदम टेस्ट में बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए लगभग मैंने एक कप गुड़ ले लिया है यहाँ पर। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कच्चे नारियल की। तो मैंने कच्चा नारियल अमित से तुड़वा लिया था और इसको मैंने पानी से धो लिया है और उसका छिलका नहीं निकाला है और अब हम इसको घिस लेंगे। तो ये देखिए नारियल भी घिस लिया है मैंने और ये नारियल भी ना घिसा हुआ मुझे एक कप ही चाहिए। तो बस हम इसमें से एक कप नारियल निकाल लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने पोहा। तो ये पोहा ना एकदम बारीक वाला है जो कि हम नमकीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पोहे को भी हमें नापना है, तो इस प्रपोर्शन के हिसाब से हमें सिर्फ 2 कप पोहा चाहिए। तो हम 2 कप पोहा निकाल लेंगे और इसको ना हम हल्का सा छान लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, जो इसमें एकदम बारीक वाला पाउडर होता है ना वो निकल जाता है। तो बस हमारी तैयारी हो चुकी है, आइए फटाफट अब प्रसाद बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पैन लिया है और जो गुड़ हमने काट के रखा था ना वो हम इसमें डाल देंगे और जितना गुड़ था ना उसका ठीक आधा हमें पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया था तो मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। और अब हम इस गुड़ को पिघला लेंगे। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिएगा, नहीं तो गुड़ क्या है नीचे तली पे लग जाएगा और जल जाएगा। तो गुड़ देखिए पूरी तरह से पिघल गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, आँच को फुल पे कर देना है और इसको थोड़ी देर उबालना है। इससे क्या होगा ना, इसमें बबल्स आएंगे और ये थिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को अच्छे से थिक कर लेना है। तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। तो बस हम इसको 1 से 2 मिनट तक और उबालेंगे। तो ये देखिए गुड़ ना अब अच्छे से थिक हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए क्योंकि अब ये गाढ़ा है, जैसे ये ठंडा होगा ना और थिक होता जाएगा। तो ये देखिए अपनी उंगली पे रख के इसको देख लें, इसमें कोई तरह का प्रॉपर तार नहीं बन रहा है पर अच्छी चिपचिपी सी या स्टिकी चाशनी हो गई है। और यहाँ ना मैंने 4 इलायची को मिक्सी में पीस दिया था, मैं वो इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी प्रसाद में। इसको अच्छे से मिला देंगे और गुड़ को अब बिल्कुल ठंडा होने रख देंगे। और अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी और ये जो नारियल हमने घिसा था ना हम इसको डाल देंगे इसमें। और इसको ना हमें बस 2 मिनट तक घी में हल्का सा भून लेना है। इससे क्या होगा ना, घी में भूनने के बाद इसमें बहुत सौंधापन आ जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए नारियल को मैंने एकदम थोड़ा सा ही भूना है और ये हल्का सा ड्राई हुआ है। तो हम इसको वापस उसी प्लेट में अभी निकाल देंगे और अब इसी पैन में हम फिर से डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। तो वैसे प्रसाद ना देसी घी में बनाइएगा तभी टेस्ट आता है, तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे करीब 15 से 20 कटे हुए बादाम। धीमी आंच में ना हम बादामों को एकदम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए बादाम अभी हल्के ही रोस्ट हुए हैं, पूरी तरह नहीं हुए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे काजू। तो मैंने करीब 20 काजू को आधे आधे टुकड़ों में तोड़ के काट लिया है और इसको भी हमें बादाम के साथ भूनना है। काजू जल्दी भुन जाते हैं इसलिए मैंने बाद में डाले हैं। तो आप देख सकते हैं काजू भी अच्छे से गुलाबी हो गए हैं। तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप सफ़ेद वाले तिल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खसखस का भी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं आज इसमें तिल डाल रही हूँ। और इसको डाल के भी ना हम एकदम धीमी आँच पर भून लेंगे। ये देखिए हमारा तिल भी बहुत अच्छे से भुन गया है। तो आपको ध्यान रखना है ना, हर चीज़ एकदम धीमी आँच पर भूननी है। तो जो पोहा हमने छान के रखा था ना हम इसमें डाल देंगे और इसको एकदम धीमी आंच पे भून लेंगे। तो कई लोग ना इसको बिना पोहा भूने भी डालते हैं, पर मैंने देखा ना वो दांतों में बहुत चिपकता है। तो अगर आप पोहे को इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे घी में तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और वो दांतों को चिपकता भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने बस इसको 1 मिनट ही भूना है और ये देखिए पोहा ना एकदम क्रिस्प हो गया है। तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे ना जो हमने नारियल भून के रखा था हम उसको भी डाल देंगे। तो वैसे तो काफ़ी सारे लोग ना इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल करते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना किशमिश से बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो बस हमें क्या करना है ना, इसको धीमे हाथों से अच्छे से चला देना है। तो वैसे गणेश चतुर्थी पे नॉर्मली घरों में मोदक बनते हैं, बेसन के लड्डू बनते हैं, बेसन की बर्फ़ी बनती है, बूंदी के लड्डू बनते हैं और मेरे घर में ना ये पंचक जया भी बनता है। और आप मुझे बताइएगा कि गणेश चतुर्थी पे आप क्या स्पेशल बनाते हो। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है
और यहाँ पर ना हमारी चाशनी जो गुड़ वाली थी एकदम ठंडी हो गई है, तो हम क्या करेंगे ना, एक छन्नी लेंगे और इसको इस तरह से छान के और इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से फैला के डालिएगा, मतलब छन्नी को गोल गोल घुमा के डालिएगा। इससे क्या होगा ना, जो चाशनी है पूरे पे अच्छे से फैल जाएगी। और ये देखिए, इसमें से ना ये जो छिलके थे ना इलायची के, वो हम अलग कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, एकदम धीमे हाथों से ना गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा, जो नारियल और पोहा है ना, वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एकदम जूसी हो जाएंगे। तो ये देखिए, प्रसाद बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो ना इसको थोड़े से बारीक कटे पिस्ते और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर दीजिए, देखने में और भी खूबसूरत लगता है। इसको अगर आपने एक बार ही ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और भगवान जी को प्रसाद में ज़रूर चढ़ाइएगा और जो भी आपके घर आए उसको भी खिलाइएगा। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ये प्रसाद बनाइएगा भी और भगवान जी को चढ़ाइएगा और सबको खिलाइएगा भी। अगर आपने फूड्स एंड फ्लेवर्स को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।